स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल निर्मला क्लासेस पर। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का 11th पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी के 5.2 चैप्टर को डील करेंगे। इससे पहले सारे चीजों को हम लोगों ने थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया है। आज एनसीईआरटी का 5.2 का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं, जिसमें से हमें निकालना है कि एक और दो तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और गुणांक ज्ञात करें। मापांक का मतलब होता है मॉडुलस एंड गुणांक का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मॉडुलस का मतलब जो हम लोग निकालते थे मॉड जेड, आर्ग्यूमेंट का मतलब ए आर जी जेड। अगर थोड़ा सा याद दिलाएं, इसका जो वैल्यू होता था मॉड जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था, और आर्गुमेंट का तो हर जगह अलग अलग वैल्यू होता था, हम लोग जानते थे टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स। ठीक है, और उसके बाद अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो आर्गुमेंट हो जाता था आर्गुमेंट जेड थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता था तो आर्गुमेंट हो जाता था पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहता था तो आर्गुमेंट हो जाता था पाई प्लस थीटा, एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता था तो क्या हो जाता था आर्गुमेंट हो जाता था टू पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा, इन दोनों में से लिख सकते हैं। इनका यूज करके हम लोग आगे का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। बच्चा अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये सोचो कि हम लोग जानते क्या है, z इक्वल टू जानते हैं x प्लस आई वाई होता है, तो अगर तुलना करें तो क्या है, क्या गिवन है, x की जगह पे माइनस वन, x की जगह पे क्या है माइनस वन, एंड y की जगह पे ध्यान से देखो y की जगह पे माइनस रूट थ्री। बहुत बच्चा क्या करेगा y की जगह पे रूट थ्री दे देगा। भाई ये ध्यान देना, विथ साइन लिखना है x माइनस वन y माइनस रूट। अब सोचो सबसे पहले क्या निकालना है, मापांक निकालना है। अगर मापांक की बात हो तो क्या निकालेंगे, अभी जस्ट बताए मापांक का क्या होता है मॉड जेड, जो कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, अब रूट अंडर क्या हो गया माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है, वन प्लस थ्री रूट का स्क्वायर हट जाएगा, माइनस भी हट जाएगा, रूट फोर इसका टू, यानी कि मॉड जेड निकल गया। अब गुणांक क्या होगा बच्चा, गुणांक की बात करें तो क्या होगा, गुणांक में बताएं तो क्या होता है tan थीटा बराबर पहले मॉड y / x। ठीक है, यहां पे बताया था ना पहले tan थीटा निकालते हैं और उसके बाद थीटा जब निकल जाता है तब उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो अब ये सोचो y क्या है बच्चा माइनस रूट थ्री। ठीक है, x क्या है माइनस वन, माइनस को कैंसिल हो गया ना तो निकला क्या रूट थ्री। अच्छा ये बताओ tan थीटा का मान रूट थ्री कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है, और उसको पाई में कन्वर्ट कर देते हैं यानी रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं क्या होता है 1/180, ये क्या हो गया पाई बाय 3। याद रखना इस बात को लेकर कि थीटा का मान हमेशा कोशिश ये करना है रेडियन में निकालने का, और रेडियन में क्या है थोड़ा सा लॉजिक के लिए बता रहे हैं, अगर डिग्री में याद रहता है उसको रेडियन में बदलने का तरीका है पाई बाय 180 रेडियन। हम लोग जो अब कहीं भी बनाएंगे तो कोशिश करेंगे रेडियन में बदलने का। ठीक है, अब क्या ये थीटा ही मेरा आर्गुमेंट हो गया, नहीं बच्चा पहले सोचते थे कि थीटा ही आर्गुमेंट है, नहीं ध्यान देना है कि यहां पर अलग अलग आर्गुमेंट हो सकता है। आर्गुमेंट कभी फर्स्ट में रहेगा तो थीटा, सेकंड में रहेगा तो पाई माइनस थीटा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोल क्या होता है सर, अगर लास्ट वीडियो नहीं देख रहे हो तो थोड़ा सा याद कर लो कि ये जो क्वाड्रेंट होता है ये प्लस प्लस होता है एक्स वाई जो लिखते हैं ना एक्स वाई। ठीक है, और ये एक्स वाई क्या होगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, हम लोग जो ये साइन लिखते हैं ना साइन जो लिखते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस प्लस, सेकंड में प्लस माइनस, माइनस प्लस सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। अब ये सोचो हमारा साइन क्या है, ध्यान से देखने को पता चलता है कि साइन जो है सर निगेटिव में है, सर निगेटिव में है, कितना वैल्यू है उसे लेना देना नहीं है, साइन देखना है कि ये माइनस में है, और ये भी साइन देखना है कि माइनस में, तो दोनों हो गया माइनस माइनस,
माइनस माइनस किसके लिए? ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ये थर्ड क्वाड्रेंट किसके लिए? ये है थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा, यानी कि जब आर्गुमेंट की बात आएगी, आर्गुमेंट जब निकालेगा तो लिखेगा पाई प्लस थीटा। पाई और थीटा का मान पाई बाय थ्री, क्या हो गया? थ्री पाई प्लस पाई बाय थ्री, ये हो गया फोर पाई बाय थ्री। ये एक्चुअल आंसर हुआ। बहुत बच्चा यहाँ छोड़ देता है जिसके कारण उसका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ये हुआ मेरा एक्चुअल आंसर। अब सेकंड को देखते हैं, तब थोड़ा सा क्लियर होगा। सेकंड में भी वही, हम जो कोशिश कर रहे हैं कि ये x प्लस आई वाई के टर्म में है या नहीं है, तो x क्या है और y क्या है। अब सोचो x इक्वल टू माइनस रूट थ्री, बिकॉज ये है। ठीक है, और y यहाँ तो सर आई लिखा होगा, इसका तो कुछ नहीं है मतलब। अरे कुछ नहीं है बच्चा, तो वन है ना, तो y इक्वल टू वन और पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस में है। तो अब आ जाओ सबसे पहले क्या है, मापांक निकालो। मापांक निकालो, मापांक निकालोगे तो क्या निकलेगा? हम जानते हैं मॉड जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? थ्री प्लस वन, दिस इज रूट फोर एंड मॉड जेड इज टू। ये हो गया मेरा एक मापांक। ठीक है, अब गुणांक निकालना है। गुणांक, गुणांक के लिए क्या बताया गया? नाम के लिए बड़े बताया कि सबसे पहले टेन थीटा निकालो। टेन थीटा निकालते हैं, चलो बच्चा y बाय x, y क्या है? y y y y वन। ठीक है, x क्या है? माइनस रूट थ्री। हमेशा याद रखो ये बात को, हमेशा गांठ बांध लो कि जब ये मॉड लगा हुआ है ना ये सिंबल, तो अंदर में हमेशा ध्यान रखेंगे कि मॉड से बाहर जब नंबर निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव में निकलता है। यहाँ पर जो वन बाय रूट थ्री लिखे, इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर जब भी माइनस रहे या प्लस रहे, मॉड जब घटता है, मॉड जब घटता है तो हमेशा प्लस वाला नंबर आता है। और यहाँ वन बाय रूट थ्री का मतलब क्या हुआ? टेन सिक्सटी डिग्री, सॉरी टेन थर्टी डिग्री, और थीटा का मान पाई बाय, सॉरी थर्टी डिग्री, और इसको हम रेडियन में करेंगे क्या हो जाएगा? पाई बाय एक सौ अस्सी डिग्री, इसका मतलब सिक्स थीटा आ गया पाई बाय सिक्स। अब ये सोचो कि थीटा का जो मान आया यही आंसर हो गया? नहीं, हमको साइन चेक करना पड़ेगा। ये साइन क्या है? निगेटिव। एक्स और वाई का ही चेक करते हैं, एक्स और वाई का ही करते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट पे आता है? निगेटिव पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट का क्या होता है? आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा। तो अगर आर्गुमेंट जेड की बात करें तो वो होता है पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस पाई बाय सिक्स, ये क्या हो गया? सिक्स पाई माइनस पाई बाय सिक्स, ये हो गया फाइव पाई बाय सिक्स। ये आंसर एक्चुअल हुआ। ठीक है, ये था मेरा मापांक और गुणांक। आगे हम लोग देखते हैं ध्रुवीय रूप। चलो अब ध्रुवीय रूप देखते हैं। ध्रुवीय रूप में हम लोग क्या जानते हैं? अगर कहें ध्रुवीय रूप का बात, तो ध्रुवीय रूप क्या होता है? ध्रुवीय रूप होता है जेड को ही लिखा जाता है ना, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन। यहां पर थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट, और आर क्या है? मॉड जेड, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस इसी को ध्यान में रखना है, हो जाएगा सारा काम। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि एक्स क्या है, वाई क्या है। तो एक्स रियल पार्ट यानी कि वन, वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट, यहां पे माइनस वन। तो अगर हम कहें क्या क्या चीज चाहिए, थीटा चाहिए, मॉड जेड चाहिए, तो मॉड जेड निकालो, क्योंकि मॉड जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, ये क्या होगा? रूट अंडर वन प्लस वन, और ये हो जाएगा रूट टू। तो कहने के लिए अगर कहें कि मॉड जेड इज इक्वल टू रूट टू, ठीक है, ये हो गया रूट जेड यानी मॉड जेड। अब निकालना है थीटा, तो चूंकि हम जानते हैं थीटा निकालने के लिए क्या करते थे, बता देते हैं। अभी जैसे थीटा इक्वल टू हम निकालने के लिए क्या करते थे, टेन थीटा इक्वल टू क्या निकालते थे? मॉड वाई बाय एक्स, उसे ही निकालता था। निकालो टेन थीटा इक्वल टू मॉड वाई बाय एक्स, मॉड वाई बाय एक्स, वाई क्या है बच्चा? माइनस वन, एंड एक्स क्या है? वन। तो टेन थीटा बराबर माइनस होता होगा वन होगा, क्योंकि माइनस तो भूल जाए, और वन बाय वन वन ही होता है, मॉड के अंदर माइनस तो लिखना ही नहीं है। ये क्या हो गया? टेन
45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इसको हम रेडियन में करेंगे पाई बाय 180 4, यानी थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। बट हमको तो आर्गुमेंट चाहिए, क्या है थीटा, क्या है आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट, ये किस पाथ में है बच्चा, सबसे पहले तो ये भी देखना पड़ेगा, ये है मेरा एक नेगेटिव, दूसरा सॉरी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, थोड़ा सा प्रीवियस वाला देखो तो पॉजिटिव हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बताए कि ये क्या है, चतुर्थ पाद में है, फोर्थ में है, फोर्थ में या तो लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा या लिखते हैं माइनस थीटा, चलो अब उसी को बढ़ाते हैं, 2 पाई माइनस थीटा करते हैं, आर्गुमेंट जेड 2 पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा का मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 4, अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 4, आर्गुमेंट जेड कहेगा सर थीटा लिखना था आप आर्गुमेंट जेड लिख रहे हैं, बच्चा वही है ये कोणांक ही है, ये कोणांक ही है बट ये पाई बाय 4 लिखते हैं ना, तो केवल वाई और एक्स का पॉजिटिव वैल्यू में आता है, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि यहाँ पे मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो 7 पाई बाय 4 लिखेंगे वहां पे जो ध्रुवीय रूप है, तो ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, ध्रुवीय रूप में लिखने का है आर, आर क्या है मॉड जेड, आर क्या है मॉड जेड, और मॉड जेड कितना निकालेंगे रूट टू, रूट टू और कॉस कॉस 7 पाई बाय 4 ये लिखेंगे ना, प्लस आई साइन 7 पाई बाय 4, ये एक्चुअल में मेरा फर्स्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड का क्या है बच्चा, एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू वन, अगर कहे तो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, दिमाग में रखने के लिए बोल रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में है, आगे जरूरत पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहले मॉड जेड निकालो, मॉड जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर निकालोगे ना ये भी रूट निकलेगा, देख लेना सेम उसी टाइप का है, माइनस का स्क्वायर भी रहता है, बार बार किए हैं तो तुम लोग खुद से भी थोड़ा सा निकाल सकते हो, मॉड जेड बराबर रूट टू, अब आओ टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है मॉड वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स वाई बाय का मान 1 बाय माइनस 1, ये क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू वही है 1 होगा ना, टेन थीटा लिख देते हैं बार क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है 10 वाई बाय 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री और थीटा का मान पाई बाय 4, सेम आ रहा है ना, देखो ध्यान से सेम आ रहा है, बट अब अंतर क्या है सर, आर्गुमेंट जेड में अंतर आ जाएगा, आर्गुमेंट जेड जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट था यहां, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट था यहां सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस थीटा पाई माइनस पाई बाय 4, यानी आर्गुमेंट जेड जो है हो जाएगा 3 पाई बाय 4, थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा खुद से भी करना है, ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा बच्चा, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप अगर बात करें ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर की जगह पे क्या है आर, आर का मतलब, आर का मतलब है जेड, मॉड जेड, मॉड जेड क्या है, मॉड जेड है रूट टू, रूट टू कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4, ये हो गया एक्चुअल आंसर, ठीक है ये भी मेरा एक आंसर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मेरा जो ये है इसका क्या होगा, अगर हम कहें तो x इक्वल टू माइनस वन एंड y इक्वल टू माइनस वन, तो ये क्या है, ये तो दोनों निगेटिव है, ये तो दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मॉड जेड क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी रूट टू निकलेगा, वन है ना वन माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस स्क्वायर का वन का वन, वन और वन वन सॉरी टू, तो अब टेन थीटा क्या निकलेगा, टेन थीटा भी निकलेगा अगर कहें तो वन निकलेगा, वन बाय वन वन ही, टेन थीटा का वन का मान क्या होगा अगर कहें तो नॉर्मली डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, ये रेडियन में हो गया। अब ये देखो कि थीटा भी निकल गया तो अब ये किस पाथ में है, अगर कहें कि निगेटिव निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्गुमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है पाई प्लस थीटा, पाई का मान प्लस पाई बाय 4, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 4, ये
क्या हो जाएगा 5 बाय 1 4 हो जाएगा आर्गुमेंट दे। अब हम कहें इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा सर, ध्रुवीय रूप लिखिए। ध्रुवीय रूप जो होगा अभी हम बताए थे कि r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r की जगह पे mod z, mod z क्या है निकाले थे √2, cos की जगह पे cos 5 बाय 4 प्लस i sin 5 बाय 4, 5 बाय 4 ये हुआ मेरा 5/5 का आंसर। अब 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर में क्या था z equal to minus 3, इसमें तो i नहीं है, i नहीं है बच्चा तो क्या करेंगे i के रूप में पहले रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर कहें इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो z equal to minus 3 plus 0 dot i, यानी x equal to minus 3 and y equal to 0, ये तो निगेटिव है ठीक है और ये तो 0 है। एक चीज बताओ जैसे कि ये x अक्ष है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सोचो y को हम नहीं जानते यानी ये सेकंड वाला हमको नहीं मालूम है कि क्या है ठीक है, लेकिन x जानते हैं माइनस में है, x जानते हैं माइनस में, x कब माइनस में होगा ये तो प्लस है, या तो 2 में होगा या तो 3 में होगा, या तो 2 में होगा या तो 3 में होगा ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि यह इधर ही होगा, इस और होगा यानी इस अक्ष की ओर, या तो पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा। चलो देखते हैं तो अब क्या करेंगे, पहले तो मॉड z निकालते हैं, मॉड z क्या होगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड z इक्वल टू 3 निकल गया। अब tan थीटा बराबर क्या होता है y बाय x, y क्या है 0 बाय माइनस 3, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 0, 0 का मान tan 0 डिग्री ठीक है, थीटा बराबर 0 रेडियन में ही समझो, ये रेडियन में निकालते हैं 0 बाय 180 का वही आएगा ना, तो आर्गुमेंट z, आर्गुमेंट z में थीटा 0 है, या तो ये रखना पड़ेगा या तो ये रखना पड़ेगा, दोनों में पाय लगा के पाय माइनस थीटा पाय प्लस थीटा कोई अंतर नहीं होगा, ये केवल पाय है क्योंकि पाय माइनस थीटा अगर लिखेंगे तो 0 पाय माइनस 0 पाय ही होगा, पाय प्लस थीटा लिखेंगे पाय प्लस 0 पाय ही होगा। तो अब आ जाओ हम ध्रुवीय रूप रखते हैं, ध्रुवीय रूप में क्या होगा ध्रुवीय रूप ठीक है, ध्रुवीय रूप की बात करें तो क्या हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r की जगह पे कितना निकला 3 cos पाय प्लस आई साइन पाय ठीक है बच्चों। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन और दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है वो तुम लोगों के लिए है क्योंकि तुम लोगों को भी कुछ करने को रहेगा घर में, ये दो क्वेश्चन को करना है, नहीं बनेगा तो एक दो दिन के अंदर रिप्लाई कर दो तो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैंने बोला था कि अगर पर्सनली भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो ये मेरा नंबर है 9709777573, लेकिन वन इस पे मैसेज करना, कोई क्वेश्चन है तो फोटो क्लिक करके भेज देना, मैं कोशिश करूंगा जैसे ही हो सके मैं उसका रिप्लाई देने के लिए। तो बच्चों अगले क्लास में मिलेंगे, हो सकता है तो इसी चैप्टर को खासकर कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं उसको देखेंगे और उसके बाद नए टॉपिक में जाएंगे। तो बच्चों अगले क्लास में मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।